Let's see, क्या होगा आगे। और ओपन में वेलकम कर दिया है, मानिया गाड़ी से गिर के नॉक होते। नया चेहरा है या फिर कोई पुराना चेहरा है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। बट कनेक्शन देखिए, अक्षत के पोस्ट पॉप इन किया गया, चीजें वापस से नॉर्मल। हमने जो मिनी मैप देखा था, जो अभी हमने मैप देखा था, वहां पर बस कुछ खिलाड़ी नजर आ रहे थे, बट ये क्या ही कमाल का उन्हें यहाँ पर स्पॉट करा है प्लेस को, और उनको और भी थोड़ा सा डैमेज एक्स्ट्रा पड़ सकते हैं। तो ये देख रहा हूँ कि अभी के लिए आप देखिए, मानिया अभी साथ के साथ आपको डाउन देखने वाले हैं और वो व्हीकल ब्लास्ट की जाएगी। दो प्लेयर्स डाउन है, मानिया ही इज हैविंग द डीबीएस, और एक अच्छा मौका बन सकता है डीबीएस का इस्तेमाल करके आप दो अकाउंट्स बड़े आराम से निकाल सकते हैं। फुटस्टेप्स को ध्यान से सुनते हुए मानिया इंतजार कर रहे हैं कि खिलाड़ी आ रहे हैं, तो आ कहां से रहे हैं। स्मोक्स बिकॉज बहुत ज्यादा डिप्लॉय की गई है। रॉनी एचपी हल्की कम थी, फर्स्ट पॉप इन किया गया, चीजें वापस से नॉर्मल। बट इसी के साथ खिलाड़ी अंदर आना चाहेंगे, फ्यूरी का वो एक डीबीएस का झटका डाउन करेगा, मगर मानिया स्टिल स्टैंडिंग। बट मानिया वो डीबीएस नहीं कनेक्ट होगी बिकॉज एक अच्छा जी ओपन में नकुल द्वारा नॉक, न्यूक्लियर डाउन होते हुए दो फ्रैग्स निकल चुके हैं, किलफ्लेक्स एंड न्यूक्लियर, बोथ द प्लेयर्स हैव बीन टेकन डाउन। स्केलेटन और गॉड प्लेस बचे हुए हैं, और अब क्या इनके ऊपर पुश होगा? नहीं, यहाँ पे सामने से हमें केमिनीज पो नजर आ रही है। गॉड प्लेस गेट्स टेकन डाउन एज वेल, स्केलेटन भी फिनिश होते हुए पूरा है, बट फिलहाल के लिए पुश आता हुआ केमिनीज पोच का। आईकू सोल पुश कर रहे हैं, नॉक निकालने की कोशिश मानिया द्वारा, वेनम को टेक डाउन कर दिया गया है। यहाँ पे सामने मॉली तो है, मॉली का प्रहार किया तो था, लेकिन फिलहाल के लिए मॉली से कुछ कमाल नहीं होगा। मानिया गाड़ी से गिर के नॉक होते हुए बचे हुए खिलाड़ी जा रहे हैं, एस पावर विद डीबीएस इन हैंड आगे जाते हुए। नकुल गेट्स टेकन डाउन, डोप ने डाउन किया है, फ्यूरी भी डाउन होते हुए रॉनी द्वारा, डोप का ग्रेनेड, नकुल कंफर्म हो चुके हैं। ये सिनेरियो अब होता हुआ क्रिएट, अभी के लिए थ्रोएबल्स के चलते कोशिश की जरूर जा रही है, बट फिर से अभी जस्ट वो पैरों के बल खड़े हुए थे, जस्ट फिर से रिवाइवल देखे अपने आप को हील अप कर रहे थे, बट वो पैनिक रूम में रॉनी का बच पाना भी काफी मुश्किल। दूसरा एक और फ्रैग यहाँ पर जाता नजर आने वाले, आखिरी प्लेयर बचे हुए एस पावर, और उनको भी लॉबी का रास्ता दिखाया जाएगा। लेगा इन्हें मेडल ईस्पोर्ट्स एंट्री लेगी अब सर्कल के अंदर, लेकिन वहीं पे टीम सोल भी एंट्री लेती हुई और वहां पे सर्कल के अंदर वेलकम करने के लिए टीम तमिलाज भी नजर आएगी। लेट्स सी क्या होगा आगे। और ओपन में वेलकम कर दिया है, दो प्लेयर्स को गाड़ी से उतार दिया, रॉनी के स्टेक इन डाउन, एस्पावर के स्टेक इन डाउन, जोकर आते हुए सामने, पर जोकर यहाँ पे विस्गॉट को करेंगे डाउन, लेकिन ट्रिगर थे पीछे, जोकर का आएगा राइट वे कंफर्मेशन, वी हैव वन लास्ट मैन सर्वाइविंग। कर पाएंगे मानिया क्या यहाँ पे बदला ले पाएंगे? लो एचपी पे है ऑलरेडी, और मानिया लोएस्ट ऑफ एचपी, इस पॉइंट पे कैसे करेगा ये खिलाड़ी सरवाइव, इस पॉइंट पे कैसे लेके जाएगा अपनी टीम को आगे। बैटल जो है वो थोड़ी और बढ़ती दिखे, आप देखिए अभी के लिए गॉड्स ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ते दिखे थे एक्वारोंग्स, बट यहाँ एक कनेक्शन मिलेगा जरूर से। जूसी का समापन आपको आता देखिएगा, वो पहला फिनिश आ चुका है टीम ओमेगा के लिए। ये कोई नया चेहरा है या फिर कोई पुराना चेहरा है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। बट कनेक्शन देखिए अक्षत के द्वारा, कमाल का उस G36C से आपको फिर से मौका दूंगा, तभी तो ये पॉसिबल हो पाएगा। दूसरी तरफ से हेक्टर एंड अंडरगॉड नंबर 2 एक साथ वो रश करते नजर आने वाले, और शायद ये जो बदला है, क्योंकि हमने एक मैच पे देखा था 8-bit वर्सेस टीम ओमेगा की बैटल हमने देखी थी, जहां पर टीम 8-bit ने बाहर का रास्ता दिखाया था ओमेगा को, तो अब विकेंडी का मैप है, नया मैप है, नया दस्तूर, और अभी के लिए जो रेवेंज है ये सक्सेसफुली पूरा होता नजर आएगा, और 8-bit को भी